मंथ्स आर वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट बिकॉज अब तक क्या पढ़े क्या नहीं अब देखिए आपको लगता है डेली एग्जाम चल रहा अभी एवरी डे टेस्ट है अभी बोल रहा हूँ हम एक 200 पेजेस नोटबुक बच्चे से लिए फोर सब्जेक्ट्स को 450 पेजेस करें डेली एक ही क्वेश्चन क्योंकि हर सब्जेक्ट में तकरीबन मैक्सिमम 30 क्वेश्चंस पढ़े तो ही विल स्कोर इजीली 60% फॉर श्योर से स्टार्ट करा रिवीजन मतलब वी हैव ऑलमोस्ट 150 वर्किंग डेज वी हैव 150 क्वेश्चंस टू कंप्लीट टू रीड 150 क्वेश्चंस इन 150 डेज ये 150 क्वेश्चंस क्या है पूरे सब्जेक्ट्स का मिला के ऐसा ये भी आपको व्हाट्सएप पे रखे सर पर डे एक ही क्वेश्चन सर पर डे एक ही क्वेश्चन वो एक ही क्वेश्चन भी कैसा कर रहे हैं हम क्लास में ब्रो रेगुलर सिलेबस के साथ ये क्वेश्चन टीच कर रहे बोर्ड पे 10-15 मिनट्स निकाल के उसमें से 50 मिनट्स में 35-40 मिनट्स दे विल टीच रेगुलर सिलेबस द अनकम्प्लीटेड सिलेबस एंड दैट 10 मिनट्स दे विल टीच दिस क्वेश्चन कल जो पढ़ने का है क्वेश्चन कल जो एग्जाम है एक ही एग्जाम एक ही सब्जेक्ट एक ही क्वेश्चन कल जो एग्जाम है आज ही क्लास में पढ़ा देते 10 मिनट फिर इवनिंग कॉलेज होने और टाइपिंग में बच्चे का नाम सेक्शन सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट में डाउट है वो सब्जेक्ट टाइप करके व्हाट्सएप में वो नंबर पे रखे तो आपको 24 आवर्स में दैट कंसर्न लेक्चरर विल अटेम्प्ट द डाउट विल क्लियर द डाउट ये 3 मंथ्स के लिए ये सुविधा बहुत अच्छा हम करें क्योंकि बच्चे को कॉलेज में नहीं घर पे भी अगर डाउट आया तो हमारा सपोर्ट रहेगा एज अ सब्जेक्ट फैकल्टी हमारे से जितना हुआ कोशिश हम वो ये करेंगे बच्चे को सपोर्ट होना चाहिए बच्चे को रेगुलर वे में फर्स्ट थिंग घर पे यूट्यूब में वो क्वेश्चन बताना सेकंड थिंग और एक हाफ एन आवर बच्चे को बिठा के वो क्वेश्चन जो पढ़े पढ़ो बोल के बोल घर पे इनकेस अगर हेल्थ के इश्यू के वजह से या फिर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस से बच्चा कभी कभी कभार अगर नहीं आया प्रॉपर आके लीव लेटर हमारे पास विदाउट लीव लेटर एबसेंट कोई भी नहीं रहता आके लीव लेटर नहीं तो फिर नेक्स्ट डे आके लीव लेटर सबमिट करके जिस दिन नहीं आया घर पे रहो या अनअवॉइडेबल थोड़े फंक्शन रहते घर का फंक्शन जाना पड़ता वहाँ पे तो भी एक हाफ एन आवर बाजू हट के यूट्यूब में क्वेश्चन देख के थोड़ा हाफ एन आवर टाइम देना दैट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द किड फ्रॉम द पेरेंट दिस कमिंग 3-4 मंथ्स सर ठीक है आपको बहुत बढ़िया जी 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 बहुत बढ़िया था तो बच्चा कहीं भी रहें दो जी जी कोई भी डाउट हुआ तो कभी भी नो अगर क्लास अटेंड भी नहीं करा एक दिन कभी कभार यूट्यूब में क्वेश्चन है अगर पढ़ते वक्त डाउट भी आया तो यूट्यूब व्हाट्सएप पे हमारे कॉलेज के व्हाट्सएप पे वो डाउट डाल दिया तो 24 आवर्स नेक्स्ट 24 आवर्स में हिज डाउट विल बी गेट क्लैरिफाइड ये फैसिलिटी हम दिए ये 3 months 4 months हम जो टेस्ट बुक उन्होंने घर पे से लिख के हाँ घर पे लिख के लाता हूँ वो चांस नहीं देंगे उतना दिमाग लड़ने नहीं देंगे बुक्स यहीं रहते 4:30 को ये बुक्स लेके जाके क्लास में रखते उन्होंने उनको देने के बाद ही शुड राइट दैट वन क्वेश्चन एंड वन आंसर अच्छा लिखा क्या लिखा ये पूरा एग्जाम से पहले ये बुक देंगे तो अपना रिजल्ट बच्चे का क्या है मालूम हो जाता बच्चा पढ़ाई में कैसा वही बोल रहा सर अब मेरा मीटिंग रखने का बच्चे पढ़ने में अच्छा है बच्चा नो डाउट अबाउट इट लेकिन नहीं आया था हाँ वो नहीं एब्सेंट था ड्यू टू सम रीजन ही वाज एब्सेंट
मैं क्या बता रहा हूँ, अभी ये 3 months फंक्शन रहने दीजिए, फेस्टिवल रहने दीजिए, ये 3 महीने बच्चे को आप हर रोज भिजाए, सच में ये 3 महीने रेगुलर भिजाइए, बिल्कुल साहब, डेफिनेटली बच्चा अच्छा स्कोर करता, नो डाउट अबाउट। और एक बात क्या है, डिसिप्लिन के बारे में बच्चे को पूछिए, हमारे बच्चे कैसे जाते हैं आप यूट्यूब में देखिए, अच्छा वीडियो जाते हैं, लाइन में आते, लाइन में जाते, जाते खुद आते खुद, इवन वॉशरूम को टॉयलेट को गए तो भी लाइन से जाते बच्चे। सो इतना परफेक्ट सेट करे हम बच्चों को, डिसिप्लिन। हाँ आपको मैं एक्सप्लेन करा था सर को, मदर को भी एक्सप्लेन करना ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको, आप नहीं रहे तो भी एज ए मदर आपको ये मालूम होता रहे मेरा बच्चा सेफ हैंड्स में है, काकतिया कैंपस में सेफ हैंड्स में है। नहीं आपका स्कूल का नाम सुनते प्रिपरेशन में बोले नाम नहीं मैडम, काम काम नाम रहता ही रहता है, वो नाम कब बनता, काम, वो काम क्या चल रहा आपको मालूम। स्टडी आवर में डाउट आया ट्यूटर्स से, दे विल क्लियर, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज है सो ट्यूटर्स हैं वहाँ पे, उन्होंने क्लियर करते। अगर घर पे डाउट आया, इफ पेरेंट्स आर नॉट यू नो वो सब्जेक्ट आइडिया नहीं है उनको, क्या करना, उनके लिए एक मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप नंबर देंगे हम, वो व्हाट्सएप नंबर पे बच्चा आधी रात को भी आइदर वॉइस और टाइपिंग अभी जो आप मेंटेनेंस कर रहे हैं इस बच्चे के लिए, जो आप सुविधाएं करें आप क्या बहुत बढ़िया है। यूट्यूब में कभी भी आप टू आवर्स दे रहे टाइम होने के बाद और 4:30 के बाद भी उसका एक काम दे रहे, उसके लिए हम बहुत अच्छा है, बहुत धन्यवाद आपका, जो बच्चों पर इतना कंट्रोल कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया काम है और ये बहुत बहुत बहुत, बहुत बढ़िया है, क्योंकि बच्चा कहीं भी रहो कभी भी रहो उसको कुछ डाउट आया वो डाउट आपको क्लियर हो जाता है।